सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुए, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है। मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका सातवें आसमान के ऊपर है। सुना आपने, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को तानाशाह बताते हैं। भ्रष्ट, अहंकारी, कम पढ़ा लिखा, तानाशाह, ये सब कहकर दिल्ली के सीएम पीएम मोदी पर जोरदार अटैक करते रहते हैं। कभी दिल्ली विधानसभा में वो चौथी पास राजा की कहानी बताकर पीएम को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, तो कभी कहते हैं कि पीएम मोदी देश को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। वीवीआईपी कल्चर पीएम मोदी की ही देन है, लेकिन क्या ये सच है? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राखी लांबा। मैं आम आदमी हूँ और हमेशा यही रहूंगा। सिंपल शर्ट पैंट, पैरों में हवाई चप्पल पहनने वाले अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने के बाद ऐसे कई वादे किए थे, दावे किए थे। सत्ता में आने से पहले अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में बैठे केजरीवाल ने छाती पीट पीट कर कहा था कि उन्हें पैसे का लालच नहीं है, देश में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो वीवीआईपी कल्चर को खत्म करे। और भी ऐसी कई बातें थी जिनके सहारे अरविंद केजरीवाल सत्ता के गलियारों में घुसे। पीएम के खिलाफ जहर उगलने के हर मौके को सीएम अरविंद केजरीवाल झट से लपक लेते हैं, लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है तो केजरीवाल मौन व्रत पर चले जाते हैं। हाल ही में केजरीवाल के शीर्ष महल का खुलासा होने के बाद केजरीवाल ईमानदार पार्टी होने का टैग खो चुके हैं। सत्ता की भूख ने आम आदमी पार्टी के सोचने समझने की शक्ति को खो दिया है। केजरीवाल और कई विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी की तुलना उत्तर कोरिया के शासक किंग जोंग उन से करती हैं। विपक्षी कहते हैं कि उसी तानाशाह की तरह पीएम देश के लोगों में अपने प्रति डर भरना चाहते हैं, ताकि लोग उनके खिलाफ आवाज ना उठा सके। प्रेस की आजादी के लिए भी अरविंद केजरीवाल आवाज उठाते रहे हैं, महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं, तभी तो वो पहलवानों के धरने में देश की बेटियों का साथ देने के लिए पहुंचे। लेकिन क्या पहलवानों के अलावा और कोई भी ऐसी बेटी नहीं है जिसके सम्मान की रक्षा अरविंद केजरीवाल यानी शीश महल के राजा को करनी चाहिए? या फिर अब धीरे धीरे दो राज्यों में सत्ता पाने के बाद केजरीवाल ये सब भूल गए हैं? सच्चाई, ईमानदारी, महिलाओं का सम्मान, प्रेस की आजादी, अब ऐसी बातें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मुंह से शोभा नहीं देती। ऐसी बातों से अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। अब रोज रोज एक ही झूठ अच्छा नहीं लगता। हम सही कह रहे हैं? हाल ही में पंजाब की लुधियाना पुलिस ने ये साबित कर दिया कि खुद को सर्वशक्तिशाली समझने वाली आपके खिलाफ जो भी खुलासा करेगा, जनता के सामने जो भी सच रखेगा, उस आवाज को कुचलने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। लेकिन केजरीवाल साहब और पंजाब के सीएम भगवंत मान भूल गए कि कलम की ताकत को मिटाना इतना आसान नहीं है। मीडिया ने जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के शीश महल को एक्सपोज किया, तब से केजरीवाल को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि जनता का पैसा खाकर चैन की नींद सोना इतना भी आसान नहीं है, और वो भी तब जब आप छाती पीट पीट कर ईमानदार होने का ढोंग करते हैं। इसी बेचैनी को कम करने के लिए और प्रेस की आवाज को दबाने के लिए पंजाब की लुधियाना पुलिस ने महिला पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ कैमरामैन और ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, झूठा केस तक लगा दिया। आरोप लगाया कि महिला पत्रकार ने ओवर स्पीड का इस्तेमाल किया और इसके साथ ही एक महिला से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। ऐसे तमाम झूठे और फर्जी आरोप लगाए गए। हम इन आरोपों को झूठा और फर्जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शनिवार शाम विशेष सुनवाई के दौरान भावना किशोर को अंतरिम जमानत दे दी। भावना पर आरोप था कि उन्होंने एक दलित महिला को कार से टक्कर मारी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। भावना किशोर मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जाति वाले एंगल पर टिप्पणी की। कोर्ट ने सवालिया लहजे में कहा कि जो पत्रकार बाहर से रिपोर्टिंग करने आया है, उसको किसी स्थानीय आदमी की जाति के बारे में कैसे पता? टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर के वकील चेतन मित्तल ने कोर्ट में तर्क दिया कि भावना की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। पूरे मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत का आदेश दिया। इस मामले में हालांकि सोमवार यानी 8 मई 2023 को रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। इससे पहले निचली अदालत ने रिपोर्टर भावना किशोर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। भावना को 19 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश निचली अदालत ने दिया था।
मतलब साफ है कि कोर्ट ने भी उन पुलिस अधिकारियों को आईना दिखाया जो झूठे आरोपों में पत्रकारों को दबाने की कोशिश करते हैं। अब केजरीवाल की धड़कन और भी बढ़ जाएगी क्योंकि जो जाल बिछाने की कोशिश केजरीवाल ने की थी वो फेल हो गई। अब बात जरा करते हैं आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता की, महान राजा अरविंद केजरीवाल की, जो शाचक भरा जीवन जीना चाहते हैं। हम आम आदमी हैं और जिंदगी भर आम आदमी की तरह जीवन जीने की कसम खाते हैं, लेकिन केजरीवाल की कसम तो टूट गई क्योंकि उनका लाइफस्टाइल तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन जैसा लग रहा है, क्योंकि पुतिन की तरह ही व्हाइट हाउस केजरीवाल के पास भी है। सत्ता में आने से पहले ऐसी नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए केजरीवाल ने राजनेता और राजनीति की नैतिकता को सिद्ध किया। यहाँ बात सिर्फ 45 करोड़ रुपए की बर्बादी की ही नहीं है और ना ही शराब घोटाले की है, बात भरोसे की है। इसी भरोसे के रथ पर सवार होकर साल 2012 में आपकी सरकार बनी। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन के साथ लड़कर अरविंद केजरीवाल ने लोगों के दिलो दिमाग में अपनी जगह बनाई। महज 11 सालों में ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इसी आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों का मानना था कि राजनीति में जाना सही नहीं होगा। इसके उलट तब अरविंद केजरीवाल और उसके कुछ दूसरे साथियों ने राजनीति में आकर राजनीति को बदलने की बात कही थी। केजरीवाल हमेशा भ्रष्टाचार और वीआईपी कल्चर के धुर विरोधी बने रहे। सार्वजनिक जीवन में वो खुद को आम आदमी जैसा दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। गर्मियों में आधे बाजू की शर्ट, साधारण पैंट, पैरों में सैंडल, फिर भी सर्दियों में मफलर और नॉर्मल सा स्वेटर। हर आम आदमी खुद को उनसे रिलेट कर पाता है। पार्टी बनने के एक साल बाद ही आम आदमी पार्टी ने दिखा दिया कि वो आम आदमी के साथ है। 2013 में चुनाव हुए, आपने पहला चुनाव लड़ा। 70 सीटों वाले विधानसभा में वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसने 28 सीटें हासिल की, कांग्रेस ने उसे सपोर्ट किया। हालांकि सीएम केजरीवाल बने, ये सरकार 49 दिन में ही चली गई। केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद साल 2015 में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए। केजरीवाल ने लोगों से इस बार उन्हें खुलकर वोट देने की अपील की। लोगों ने वैसा ही किया। आपने कांग्रेस बीजेपी जैसी पुरानी पार्टियों को धूल फंका दिया। इस चुनाव में उन्हें 67 सीटें मिली। हालांकि इस बीच फूटन भी दिखने लगी। पार्टी ने 2015 में योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और आनंद कुमार जैसे पार्टी संस्थापकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी में केजरीवाल ही सब कुछ हो गए। पंजाब में आपकी जीत ने पार्टी का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ा दिया। हालांकि झूठ की मियाद बहुत छोटी होती है, ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती, और ऐसा ही केजरीवाल के साथ हुआ। शराब घोटाले में पार्टी के कई नेता जेल की हवा खा रहे हैं और अब ऑपरेशन शीश महल ने शीशे की तरह सच्चाई सभी के सामने लाकर रख दी है। ईमानदारी और सादगी का दम भरने वाली पार्टी विलासिता और सत्ता का सुख भोगने की दौड़ में दिखाई दे रही है। शीश महल की सच्चाई के बाद केजरीवाल कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की चुप्पी इस बात पर मुहर लगा रही है, भला ये कैसे आम आदमी है जिसे दो दो किचन की जरूरत है। केजरीवाल के वादों पर जिसने भी भरोसा किया आज वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है।